यहाँ पर उपस्थित युवा मॉडल यूएन ओके ऋषभ शाह जी, हमारे इंदौर चैप्टर जो चोइथराम इंटरनेशनल विद्यालय में मॉडल यूनाइटेड नेशन इंदौर चैप्टर और चोइथराम इंटरनेशनल के प्राध्यापक पासु जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय चोइथराम के प्रमुख भी यहाँ पर उपस्थित थे और बच्चों, अभी मुझे लगता है ये संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, व्हाट इज यूएन यूनाइटेड नेशन, ये सब बताने की आपको आवश्यकता नहीं, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस, बट ओनली थिंग इज दैट नाउ टुडे आई कैन से दैट आई कैन स्पीक लाइक यूर ग्रैंड मदर ऑल्सो एंड यूर ग्रैंड मदर फ्रॉम ए स्मॉल टाउन चिपलूर from Maharashtra, so she will speak to you, that will be better, no, we can understand it better, and for me also, so it will be better to speak in my own language. तो आज हम यहाँ पर एक बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने लिखित भाषण जो लिखा लाया था मुझे लगता है इट इज नॉट नेसेसरी, इट कैन वी कैन से लाइक इन लोकसभा वी से दैट मैम दिस इज टेबल्ड, मेरा भाषण टेबल हो गया, मैंने रख दिया आप लोगों के सामने, लेकिन जो मैंने देखा है कि आप जिस तरीके से जो मेरे मन में भाव हमेशा रहते हैं और ये युवाओं को व्हाट आर द नेशनल थिंग्स, व्हाट इज इंटरनेशनल थिंग, नॉट ओनली यूनाइटेड नेशंस बट यूनाइटेड नेशंस क्या क्या करते हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं, किस तरीके से वहाँ चर्चाएं होती हैं, मैं देख रही हूँ दो तीन दिन अब आज आप लोग जो चर्चा करोगे, सो मेनी टाइम्स इट हैपन्स कि डेवलपमेंट गोल्स, पहले हमने कहा था MDG, nobody, sometimes it happens, I'm sorry to say, पार्लियामेंट में भी कई मेंबर ऐसे मिलेंगे दे जस्ट डोंट नो व्हाट इज MDG. अब MDG क्या है, अब उसके बाद अब आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो विकास की बात है उसको ही कायम रखना है और विकास आखिर में क्या होता है, तो हमारा स्वास्थ्य, हमारा एजुकेशन, इन सबसे संदर्भित एक मॉडल जिसको हम कह सकते हैं, जिसको पूरे दुनिया के साथ चलना है, लेकिन अगर हम उसको समझे ही नहीं, इफ वी डोंट टॉक अबाउट इट, इफ वी डोंट अंडरस्टैंड इट, एंड नॉट ओनली कि वहाँ यूनाइटेड नेशन ने उसको एक्सेप्ट किया, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन हमारी अपनी धरातल पे वो क्या है, हम कैसे कर सकते हैं, वो अगर हमने समझा ही नहीं तो हम उस पर काम नहीं कर सकते, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, और ऋषि आपने राइटली कहा अपने तरीके की टिप्पणी, नाउ वी आर स्टार्टेड डूइंग इट, पहले जब MDG की बात में, क्योंकि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चर्चा करने जा रहे हैं, अब हम जब मैं भी जाती हूँ वहाँ बात करने, हमने एक बात स्टार्ट की, पहले ये हुआ था बिल्कुल सही, ये दो चार नेशन जो अपने आप को डेवलप्ड नेशन और अब बड़ी बड़ी बातें वहाँ से होने लगी है, फिर वो एक पट्टी तय करते हैं कि स्वास्थ्य में किस देश ने कितना किया, एजुकेशन में कितना किया, और बाकी जो सभी डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे हमारे हिंदुस्तान में शब्द है ना, मध्य प्रदेश उसमें शामिल था, बीमारू स्टेट्स करते थे, बीमारू स्टेट्स, इसी प्रकार हम भी डेवलपिंग कंट्रीज उस तरीके से वहाँ देखे जाते हैं, और फिर एक
एक स्केल लगाई जाती है कितना किसने किया, कौन कितने नंबर पे है, हाउ इट कैन बी, और क्लाइमेट चेंज में किसने कैसे करना चाहिए। अब हमने, मैं आपको ये चेंज बता रही हूँ, नाउ वी हैव स्टार्टेड सेइंग कि उस स्केल से, आप जिस स्केल से कहोगे उस स्केल से सभी कंट्रीज को आप नहीं नाप सकते। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन स्केल। अगर हम बिल्कुल जीरो पे कोई कंट्री खड़ा है, अफ्रीका का छोटा सा, आप उसको अगर आपके दुनिया के साथ शुरू करोगे तो वो तो कभी ऊपर आएगा ही नहीं। आप उस तरीके से देखो उन कंट्रीज पर, where they stand, how they have started, how they are working, and then how they have reached or where they have reached or not. ये एक बात हो गई development goals की। दूसरी बात हमने, आप देखोगे तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी, मैं भी अभी गई थी तो हमने भी इस बात को बोला कि climate change की बात होती है, carbon की बात होती है, percentage की बात होती है, मगर सबसे पहले इस बात का तो जवाब दो, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, नॉट अप टू दैट लेवल। यू डेवलप कंट्रीज फर्स्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्लाइमेट चेंज के लिए हम सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिर आप क्या करोगे, वहां से शुरुआत करो। हम तो अपना काम करेंगे ही, वी आर डूइंग इट, ये अब हमने बोलना शुरू किया है। मैंने अभी भी जब मैं गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर मुझे बोलना था, मैंने उनको कहा आखिर आप क्या चाहते हो, सब सुखी रहे, शिक्षा मिले सबको, स्वास्थ्य सबका अच्छा रहे, प्रगति सब हम साथ साथ करें वगैरह वगैरह। मैंने कहा ये जो आप 16-17 बातें लिखोगे, बड़ी बड़ी चर्चाएं करोगे, मेरे हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति जब वो प्रार्थना करता है, ये सालों साल से है, तो ऑल दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात उसमें समाहित है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बच्चों, आप उसको समझना शुरू करो। मैंने कहा जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्। बट नाउ इट इज यू आर टॉकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश और लर्निंग इंग्लिश, ऑल दिस थिंग, ओरिजिनल बातें भी ध्यान रखो। दैट्स व्हाई आई सेड योर ग्रैंड मदर कि रोज अगर ये प्रार्थना हम करते सभी लोग सुखी रहे, सभी को जो चाहे वो मिले, सब स्वस्थ रहे और किसी को भी दुख भोगना नहीं पड़े, ये हम सबकी मन की इच्छा है। अपने आप हम उस काम में लग जाते हैं अगर हम ये तय करें। इट स्टार्ट्स लाइक दैट। और इसलिए कई सारी बातें, यूनाइटेड नेशंस केवल इतनी बात नहीं है, उनकी अनेक संस्था है, हेल्थ के लिए काम करती है अनेक अनेक, आप दो दिन सब बातों की चर्चा करोगे। और इसलिए हमें जो एक बात ध्यान में रखना, मुझे लगता है कि जब आप ये सब सीखोगे, कई बार मुझे भी लगता है कि हमारे बच्चे जो आजकल, और यहाँ मेरे आने के बाद ऋषभ, आई लाइक इट वेरी मच, मैं क्योंकि मैं आजकल बात करती हूँ, मुझे डर लगने लगा है। डर क्या लगने लगा है, आजकल हमारे पेरेंट्स, अब थोड़ा चेंज आ रहा है, लेकिन पेरेंट्स के मन में एक ही बात है, उसके लिए बासु जी आप भी थोड़े रिस्पॉन्सिबल तो है, या हमारी शिक्षा प्रणाली रिस्पॉन्सिबल भी है। एवरी पेरेंट, एवरी फादर मदर लग जाते हैं इस बात में, लग जाते हैं मेरा बेटा बेटी जो भी हो स्कूल में डाला है, ही शुड गेट नो 80%, नो 85, नो 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 90, नो 19.999, वॉट एवर इट इज। अरे बच्चे हैं कि मार्क्स कमाने की मशीन है,
सही बता रही हूँ, मुझे ऐसे भी पेरेंट्स मिले हैं कि ताई ऐसा मत बोलो, हम हमारे बच्चों को खेलने भी भेजते हैं, खेलता है क्या, खेलता है क्या, कुछ करता है व्हाट। फिर अंतर की बात, अंतर मन के बाहर आई, वो आजकल सीवी बोलते हैं, सीवी बना। फॉर सीवी इट इज नेसेसरी व्हाट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यू आर डूइंग एंड फॉर दैट यू गो फॉर प्ले। इसके लिए खेलोगे या खेलने से मुझे एक ताकत भी मिले, खेलने से मेरे में एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी आ जाए, मेरा कुछ कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाए, मेरा पर्सनालिटी बिल्डिंग हो जाए। इसलिए मैं खेलने जाता हूँ, इसलिए मैं ड्रामा में काम करता हूँ, इसलिए मैं नृत्य, जैसा आपने अभी देखा अकेली रागिनी मकर नहीं, ऑल द गर्ल्स टूगेदर दे हैव फॉर्मेशंस। सो ये भाव है, ये भी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। तो उसके लिए आप अलग अलग एक्टिविटीज में जाते हो कि नहीं, टू बी ए गुड सिटीजन, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। और इसलिए मैंने कहा ये अलग से जब ऐसी कुछ बात आती है, आई एम गिविंग थैंक्स टू यू रियली ऑल ऑफ यू, कि बच्ची ये तो समझेंगे कि ये क्या है, मुझे क्या करना है। क्योंकि केवल किताब भी पढ़ना नहीं, केवल विषय भी नहीं, केवल मार्क्स भी नहीं, हमारे विवेकानंद जी तो बोल के गए, एवरीबडी नोज, कि जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, चरित्र गठन कर सके, विचारों का सामंजस्य बना सके, यही वास्तव शिक्षा है। और ऐसी शिक्षा जब आप ऐसे किसी इवेंट्स में भाग लेते हो, नॉट ओनली हियर, अपने स्कूली इसमें भी, तभी जाकर के बात बनेगी। एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि डेमोक्रेसी की बात होती है, और मैं आपको बताऊं कि जब हम किसी भी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाऊं, यूनाइटेड नेशंस की हो, इंटरनेशनल IPU की हमारी मीटिंग हो, वर्ल्ड स्पीकर्स डे हम मनाते हैं, उसमें हम जाते हैं, बच्चों में आपको बताना चाहूंगी, सभी दूर एक ही बात की चर्चा होती है कि सबसे बड़ा, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी की दृष्टि से, विच इज द डेमोक्रेटिक कंट्री विच इज पावरफुल एंड विच हैज ए ट्रू डेमोक्रेसी, एंड दैट इज ओनली इंडिया, ओनली। ये बोला मेरा परिचय करा जाता है तो जब वो बोलते हैं कि शी इज फ्रॉम इंडिया विच इज वर्ल्ड ग्रेट डेमोक्रेसी, तो इस डेमोक्रेसी का आपको अर्थ समझना है कि ये जो आपको स्वातंत्र मिला है, शिक्षा का मिला है, आपकी करियर डेवलपमेंट का मिला है, हर चीज का मिला है, उसका उपयोग अच्छे तरीके से आप कैसे कर सकते हो, ये आपको इसमें से सीखना है। एक बात और समझो, अभी सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही थी, और सिक्योरिटी काउंसिल का गठन होने के बाद, उसके बाद जैसे जैसे उसमें कुछ बढ़ोतरी हो गई, कुछ बातें सोचनी जाने लगी, ये भी उसमें हुआ कि जहाँ जहाँ आवश्यक हो वहाँ पीस फोर्स भेजा जाएगा। सिक्योरिटी काउंसिल का अपना UN का करके एक वर्ल्ड पीस फोर्स तैयार किया गया, हिंदुस्तान ने उसमें सबसे ज़्यादा मदद भी करी है, इन्वॉल्वमेंट है, मगर हिंदुस्तान का इन्वॉल्वमेंट कितना अच्छा है वो देखो। जब वहाँ बात होती है, आजकल कई अनेक देश है, आप लोग बहुत सुखी हो, बहुत सुखी हो, कई देशों में इस प्रकार के, एक प्रकार की मैं क्या कहूँ, ऐसी असहजता हो गई है, एक प्रकार की फाइट, कंटिन्यूअस फाइटिंग जैसी चल रही है, घर बिखेर रहे हैं, लोग बिखेर रहे हैं, कई सारी चीजें हो रही है। और जब बात होती है वहां पर पीस कीपिंग फोर्स की, तो कई बार ये भी चर्चा में आता है कि पीस कीपिंग फोर्स भी कई बार अन्याय करता है, ये भी चर्चा में आता है, और उसमें
जब एक खास प्रस्ताव आता है तो हम जब इंडिया ये कहता है इट इज इंडिया कि जिन्होंने पहली बार महिला पीस कीपिंग फोर्स लाइबेरिया में पहला दस्ता 2007 में महिलाओं का दस्ता एज ए पीस कीपिंग फोर्स भेजा था और उसने इतना सुंदर काम किया क्योंकि एक मातृत्व है। बट ये जो हमारा विजन है ना कि स्त्री शक्ति की जो हम कल्पना करते हैं एक मातृत्व की कल्पना, तो ये इंडिया को ही मन में आ सकता है कि नहीं हम महिला पीस कीपिंग फोर्स। और आपको बताऊं, कभी अगर आपको मौका मिला बड़े होकर के आप भी जाएगा यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में जाओ तो वहाँ एक बहुत बड़ा एक दीवार के ऊपर भिंति चित्र बनाया हुआ है, उसमें बताया गया है यूनाइटेड नेशंस कहाँ कहाँ क्या के, उसमें हमारी उन महिलाओं की भी एक चित्र है पीस कीपिंग फोर्स लाइबेरिया में फर्स्ट वुमेन पीस कीपिंग फोर्स गए थे। और उसमें मुझे इतना अच्छा लगा कि इतना प्रोमिनेंट वो पिक्चर दीवार पे आया है वो पेंटिंग में कि जो महिला गई थी उनके नाम भी आप दो तीन के पढ़ सकते हो जो उनके चित्र है वो इंडियन नेम आते हैं महिलाओं के, तो बहुत एक अच्छा। तो हिंदुस्तान इस प्रकार का एक अच्छा काम वहाँ पर कर रहा है। और इसलिए मैं आपको इतना ही कहूँ, जैसे हमने योगा ने कहा मान ली गई बात उसको कि यस इट इज नेसेसरी, हिंदुस्तान की देन नहीं है ये, आप सबको इसको समझना पड़ेगा। आप अभी बहुत सारी बातों पर चर्चा करोगे, मैं उसको समझूंगी भी, लेकिन एक मैं आपको बताना चाहूंगी कि आजकल जो एक हिंदुस्तान के सिरे भावना है, अभी बान की मून की बात हुई उनका संदेश भी आपने देखा, और अगर हमारे मन में सतत ये बात हो, मैं एक और बात पहले उसके पहले आपको एक कहना चाहूंगी, अभी ऋषभ आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप जो हम कहते भावी इंडिया फ्यूचर इंडिया, कई बार मेरे मन में आप बात आती है कि मुझे मालूम है अभी तो आप 10वीं में हो 11वीं में हो 12वीं में हो, कई बार ये भी कभी दुख भी होता है मन में भाव आते हैं कि आप कुछ बनोगे जीवन में, कोई इंजीनियर बने कोई और कुछ बने, और फिर आपका सपना भी होगा होना भी चाहिए, एवरीबडी फील्स कि मुझे एक अच्छा पैकेज मिले, आई एम सॉरी होता है आपको चाहिए ना अच्छा पैकेज, आजकल पैकेज ही बोलते हो, अच्छा पैकेज मिले 20 लाख 30 लाख 40 लाख, और आजकल सैलरी की बात नहीं करते हमारे जैसी है ना, पैकेज की बात होती है, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो पैकेज भी आप लेकर के, मगर इस तरीके से अगर आपके मन में वो हिंदुस्तान का भाव हो, तो अगर आप बाहर भी जाओगे तो कहीं ना कहीं आज जैसे कई बार होता है दूसरे देशों में हम जाते हैं तो वहां जब मैं देखती हूँ सुनती हूँ कि इंडियंस सबसे अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे कई भागों में, नॉट ओनली इन यूएस आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं वियतनाम गई थी आपको बताती हूँ, वहाँ हिंदुस्तान के लोग अलग अलग क्षेत्रों में, यहाँ खदान के लिए बदनाम है वहाँ खदान के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी तो वो एक मनोभाव, और उनके मन में अब ये भाव आने लगा है यस वी आर इंडियंस, हमने हिंदुस्तान से कुछ पाया है, पैकेज में जाने के लिए मना नहीं है, मगर इस प्रकार से भाव लेकर के हम अगर जाएंगे कि वी आर इंडियंस, हम अगर बाहर भी जाएंगे तो हम देश की छवि उज्ज्वल करने के लिए जाएंगे, नॉट ओनली फॉर मेकिंग मनी और नॉट ओनली फॉर पैकेज, पैकेज फॉर इंडिया, नॉट पैकेज फॉर पैकेज। और इस भाव से आप जब जाओगे, इस भाव से बात करते हो तो रिस्पांस भी मिलता है, मैं आपको बताती हूँ मेरा अपना अनुभव,
आपने पेपर में कभी कभी मीडिया को होता है, मुझे लगता है मीडिया को भी ट्रेनिंग की आवश्यकता कि व्हाट आर द इंटरनेशनल इश्यूज, हाउ दे आर इम्पोर्टेंट। वहाँ जा कर के जो एकत्रित करना हो रहा है हिंदुस्तान के लोगों को, भाव बढ़ रहा है, वो कितना इम्पोर्टेंट है। मैं एक छोटी बात आपको बताती हूँ, बान की मून को जब मैं जाती हूँ, ये कॉलोन हमेशा होते रहते हैं, उनको पहले भी दो तीन बार मिली और मैंने देखा था उनके मन में इंडिया के लिए बहुत अच्छे भाव हैं। इस बार जब मैं उन्हें मिलने गई थी, बहुत प्रेम से मिलते और बातों बातों में उन्होंने कहा मुझे, यस नाउ इट इज इंडिया इज बिकमिंग वाइब्रेंट, यूअर वाइब्रेंट प्राइम मिनिस्टर विल बी कमिंग नेक्स्ट, क्योंकि अभी गए थे, उसके पहले मैं गई थी, ही विल बी कमिंग नेक्स्ट मंथ ईयर। जब उन्होंने ये बात शुरू की तो मैंने एकदम से उनको कहा, देन सर व्हाई मीन नॉट दिस वाइब्रेंसी शुड बी देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल। वो मेरी तरफ देखते ही रहे, क्या बोला, फिर मुझे बोले, यस सर यू वॉट एवर यू आर सेइंग आई विल कीप इट इन माइंड, यू हैव टू से दैट। तो अपनी बात अगर अपने दिमाग में वो बात है, मैं आपको इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में सतत ये बात थी कि इंडिया को अपना ड्यू शेयर क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये बात मन में थी। इसलिए जैसे ही उन्होंने वाइब्रेंसी की बात कही, वैसे ही मेरे मुंह से वो बात निकल गई। तो आप जो यहाँ पर इस प्रकार का जो एक शिक्षा ले रहे हो, तीन दिन तक कुछ चर्चा करोगे, एक बात बहुत अच्छी जो मुझे कभी कभी अब लोकसभा की भी शायद यहाँ लोकसभा लगाओगे, मगर नॉट लाइक दैट जो अभी हुई है, दैट इज नॉट द रियल लोकसभा, कभी कभी वो होता है ऐसा, बट ओरिजिनली यू फाइंड इन लोकसभा देर आर गुड डिबेट्स ऑल्सो, और वो डिबेट वास्तव में एक प्रभावकारी काम सालों साल के लिए करते रहे हैं। आज भी कई बार हम बोलते समय पहली लोकसभा में किस प्रकार का डिबेट हुआ, उस समय किसने क्या कहा, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो लोकसभा की केवल वो बात ध्यान में मत रखो, एक अच्छा डिबेट, यस इट कैन बी, और होना जरूरी भी है, क्योंकि मैं अपेक्षा करती हूँ नॉट ऑल ऑफ यू विल गो फॉर पैकेज, एटलीस्ट सम ऑफ यू विल कम इन पॉलिटिक्स विच इज नेसेसरी ऑल्सो, ए गुड चंक should come, then they know they must come, नहीं तो वो economic का सिद्धांत तो है वैसे, bad money drives out good money, मगर मेरा तो दूसरा कहना है, अगर जो अच्छा है वो अपने आप में उसके मन में आत्मविश्वास हो, जानते हैं yes I have to do this, ऐसे करके strongly अगर हम खड़े रहे तो nobody can drive you out, you can, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, है ना। और आपने जैसे कहा एक सर्वसाधारण व्यक्ति को इंदौर असाधारण बनाता है, इट इज ट्रू ऑल्सो फॉर मी, एक सर्वसामान्य गृहिणी, व्हेन आई केम इनटू पॉलिटिक्स आई वाज रियली ए फैमिली काम करने वाली सादी सी गृहिणी थी, हाउस वाइफ। कभी कभी होता है ना, आप अपनी बहू, लोग पूछते हैं आपकी माँ क्या करती है, कुछ नहीं करती, शी इज हाउस, या पति बोलता है, नो नो शी इज नथिंग, शी इज हाउस वाइफ, बट हाउस वाइफ इफ शी डिटरमिंड शी कैन डू सो मच, बट उसके लिए सपोर्ट भी चाहिए, और वो इंदौर देता है, साधारण को भी सपोर्ट देके इंदौर असाधारण विश्व बनाता है। सो डेफिनेटली आई एम क्वाइट श्योर इफ यू हैव इन योर माइंड समथिंग गुड, अवर बसु जी इधर हमारे चोइतराम के प्रमुख, मैं बार बार नाम भूल गई अब, तो ही इज ऑल्सो देयर, देर आर सो मेनी पीपल हियर, और ये इतना अगर यंग इंडिया आपके साथ है तो एक माइंड सेट बनाने में जरूर वो काम आएगा, और एक भविष्य के हिंदुस्तान की जो चिंता लगी रहती है, मगर ये हर पीढ़ी में होता है, हर पुराने पीढ़ी को नई पीढ़ी की चिंता रहती है कि कैसे होगा,
समझ नहीं पा रहे हैं, बच्चे ना समझे, ये हर पिता को लगता है। जब वो पिता बनता है तो वो भी अपने बच्चों के लिए सोचता है कि बच्चे ना समझे, मगर ये ना समझ बच्चे भी कभी कभी उस ना समझी में भी अगर थोड़ा सा देश के लिए प्रेम हो तो भगत सिंह बन जाते हैं युवा अवस्था में। यू कैन डू, आई एम क्वाइट श्योर। ये 3 दिन का आपको मौका मिला है, एक बात और कहूंगी, ऐसे ही नहीं मिला है, मैंने आपकी प्रक्रिया पढ़ी है, रिगरस इंटरव्यू, या जो वास्तव में टैलेंटेड, अब अच्छों को आप अच्छे करने निकले हो, इट्स ओके, लेकिन जो बच्चे यहाँ आए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी परीक्षाओं से गुजर करके यहाँ पर आए हैं। तो एक ही बात ध्यान में रखो, केवल आपके प्रिंसिपल ने, जिस भी स्कूल से आप आए हो, आपके स्कूल में इसके प्रिंसिपल ने या टीचर ने आपको कुछ भाषण बना के दिया हो, बट टेक दैट एज टिप्स। लाइक मैंने भी, मेरे भी लोकसभा वालों ने मुझे भाषण बना के दिया था, वो मैंने टिप्स जैसा लिया कि टेबल करो उसको और अपने मन की बात उसके आधार पर आप 3 दिन तक यहाँ रहोगे, वो डिस्कस करो और उसी से आप आगे बढ़ोगे। आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। मेरी तरफ से सभी सभी शुभकामनाएं।